स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप उमंग आने लगती है, लानी नहीं पड़ती। और भगवान कहाँ छुपा है? आपके मुस्कुराहट में। तो मुस्कुरा दो ना। हमारे जीवन में भी इतना कंफ्यूजन हम अपने दिमाग में क्रिएट करके चलते हैं। मेरी बात समझो, ये जो बलून है वो अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को पकड़कर हम अपने सारे कार्यों को और टाइट पकड़ कर दिया, कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आर ईगो ऑफ द आई, एंड देयरफॉर हमको सारे कार्य में कितनी तकलीफ होती है। ये रोशनी द्वारा आपकी नजर उस सामने वाली रोशनी को देख पाती है। वो तो 24 घंटा हमेशा निरंतर जल ही रही है। वो रोशनी अंदर की इतनी तेज जल रही है। मेरे पूरे शरीर को वो पवित्र करती जा रही है। मैं दृष्टा भाव में से इस अग्नि को देख रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। आपके लिए विकार बने ही नहीं है। अभी का अभी आप देखो, बोलो मैं कौन हूं, मेरी ऐसी कौन सी मजाल जो मैं चाहूं, मैं देखूं, मैं खाऊं, मैं उठूं, मैं बैठूं। इतना अंदर में गुम होकर देख नजारा आपको खुदा ही दिखाई देगा। बड़ी बात है, वो अपने को बचाने के लिए हर कोशिश करने को रेडी है ना। इंसान तो बने ना पहले, फिर मन का ईश्वर बनते, फिर धीरे धीरे ईश्वर का रहस्य भी जानते, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर में खुदा के लक्षण भी आने लगते। ईश्वर का दर्शन करना है, मन में वो ईश्वर का एहसास जगाए, उसके होने का एहसास जगाए। वो ही तो है, वो ही तो समाया है।
स्वास्थ्य में भी और पीड़ा में भी, और धीरे धीरे उसे ईश्वर के एहसास में खुद को विलीन करता। मन में भी कितने अंदर के लेयर्स हैं, मन के अंदर भी स्थूल मन है, फिर सूक्ष्म मन है, फिर अंतःकरण वाला मन है। और वो अंतःकरण जो है, आप सबको मालूम है, वो कारण बनता है हमारे फिर से जन्म मरण का। तो हम ये बुद्धि को, कॉन्शियस माइंड को थोड़ा खाली करने लगते हैं। अब वो स्थूल मन मेरा क्या हो गया? खाली हो गया। अच्छा, इस खालीपन का क्या फायदा है आपको मालूम है? आप बोलोगे दीदी खाली हो गया, भरेंगे किसे? जरूरी नहीं है कि कोई चीज खाली है तो भरना ही है, क्योंकि जो परमात्मा है ना, वो इतना सूक्ष्म है कि वो अपने आप जगह ले लेता है। तभी बोला खालीपन का दूसरा नाम परमात्मा है। निकालने के लिए आपको अपने साथ क्या करना पड़ेगा? मेहनत, मतलब दिल लगा कर, पानी सुनकर, अपने साथ हिम्मत करके, स्थूल बुद्धि को हटाकर, साइड रखकर, खाली जो हुआ है अंदर जाकर, द इवल्स ऑफ अटैचमेंट को समझकर, बीच बीच में आत्म भाव का थोड़ा थोड़ा उसका दर्शन कर कर, अनुभव करके आपको निकालना है। बहुत संत गुरु की वाणी अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर, इतना हद तक कि मेरे अंदर में द लास्ट एंड फाइनल चिपक खत्म हो जाती है। कौन सी चिपक खत्म होती है? कि मैं जन्म लेता हूँ। ऐसा कभी समय ही नहीं था जब आप नहीं थे। करेंगे, लेकिन स्मार्ट पर्सन राइजेस इंस्टेंटली वन स्टेप अपर।
ये जो दिख रहा है वो बोलता कौन है? इमोशन को जब मालूम पड़ जाता है कि उसका मालिक आ गया, फटाक से पिंड छोड़कर भाग देता है पतली गति से, एंड यू विल अगेन कम इनटू सॉलिड अलाइनमेंट, वापस अपने सॉकेट में जा, कम बैक इनटू योर सेंस ऑफ मास्टरशिप, यू आर द मास्टर, एंड द मास्टरशिप इज वॉच द सोर्स, वॉच योर फाउंडेशन, रोशनी ना हो तो दिखे ना, नोवर ना हो तो जाने कौन, जागृता ना हो तो उसको आइडेंटिफाई करके बोले कौन, देखा दिखा कभी तो बोला ना। प्रेम से रूठना मना है, स्वार्थ को मन में रखना मना है, इसको जल्दी गरम करना मना है, सिंपल है। Permanent solutions to help me maintain a balanced mind that will help me maintain a balanced lifestyle. और अगर ये नहीं है, अगर आपका life में आपका style ही lopsided है, तो आपका हर कार्य आपको बांधेगा. Everywhere you will get stuck. Everywhere you will get stuck. Everywhere you will get stuck. And that becomes a source of frustration. शुरू शुरू में frustration ऐसे ही चालू होता है. And you go complete off track and that is not your identity. जब misidentification की problem अंदर में आती है, वहीं से हमारा सारा गड़बड़ खेल शुरू हो जाता है। आया तो फिर से आया।